hello everyone welcome to our channel today we are going to start order 9 and it is going to be our very first session of this order order 9 is about appearance and non appearance of parties right so civil procedure code cpc contain order 9 that is appearance and non appearance of parties and today we are going to discuss just rule 1 to 5 of this order so come to the very first rule एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा क्या है अपियरेंस एंड नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज तो हम देखेंगे कि जब एक सूट चल रहा होता है तो उसमें जब पार्टीज अपियर हों या अगर वो नॉन अपियर है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है द वेरी फर्स्ट रूल सेज दार्टी शैल बी अटेंडेंड इन द कोर्ट एंड देन दूट शेल बी हर्ड अनलेस हियरिंग इज अर्जर्न टू द फ्यूचर डेट मतलब जो पार्टी होगी उसको अटेंड रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द हियरिंग एंड इफ इट इज नॉट देन वो हियरिंग क्या हो जाती है एडजर्न ओके कमिंग टू द रूल टू रूल टू बात करता है वेन ऑन द डेट सो फिक्स्ड समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड बाय चांस कोई डेट ऐसी फिक्स कर दी है थ्रू कोर्ट और तब तक जो समन है वो पार्टीज तक पहुंचे ही नहीं है तो क्या होगा समन नहीं पहुंचे किस लिए बिकॉज प्लेटिफ नॉट पेड द पोस्टल चार्जेस या उसने कोई कोर्ट चार्जेस नहीं पे करे हैं और इफ ही हैड नॉट फॉलोड ऑर्डर देन कोर्ट विल डिसमिस द सूट इन 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 केसेस में क्या करती हैं डिसमिसल हो जाता है सूट का राइट बट इफ डिसमें जो डिफेंडेंट है वो अपियर्स इन द कोर्ट डिसमिसल होने के बावजूद जो डिफेंडेंट है ऑल उसको समन नहीं पहुंचे हैं स्टिल वो डिफेंडेंट प्रेजेंट हो जाता है कोर्ट में आ जाता है देन कोर्ट क्या करेगी क्या वो डिसमिसल कंटिन्यू रखेगी या कोर्ट को जो सूट है उसको फर्दर हियर करेगी देखिए यहाँ पर क्या होगा इफ डिफेंडेंट अपीयर्स इन द कोर्ट देन कोर्ट विल नॉट डिसमिस तब डिसम नहीं होगा नॉट डिसमिस द सूट एंड इट विल पास द ऑर्डर ऑर्डर को पास कर देगी द ऑर्डर विल नॉट बी अपीलेबल जो ये ऑर्डर आएगा ये फिर बाद में अपीलेबल नहीं है बट यू कैन ओनली अप्लाई फॉर रिविजन अंडर ऑर्डर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर वन हंड्रेड फिफ्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि रिलेटेड है रिविजन से तो यहाँ पर क्या होगा जो पार्टी इसके इस चीज़ के लिए अपील करना चाहती है कि ऑल दो समन नहीं पहुंचा था और सूट का डिसमिसल चल होने ही वाला था लेकिन डिफेंडेंट आ गया तो सूट की हियरिंग हुई इस वजह इस बात को अपील आप कर नहीं सकते बट आप यस यू कैन गो फॉर द रिविजन अंडर ऑर्डर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ओके नाउ कमिंग टू रूल थ्री बच्चे आपको एक जनरल नॉलेज दे देती हूँ कि जो हमारा ऑर्डर नाइन है ये पी टी प्रिलिम्स टेस्ट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्डर नाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ प्रिलिम्स तो इसको ध्यान से पढ़िएगा रूल वन रूल टू रूल थ्री पे आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है रूल थ्री रूल थ्री बात करता है वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स कोई भी पार्टी नहीं प्रेजेंट होती है ना प्लेन ना डिफेंडेंट तो क्या होगा सूट विल बी डिसमिस्ड सूट को कहा वहीं पर ही डिसमिसल मिल जाता है ओके दोनों ही पार्टी नहीं तो वो डिक्री थोड़ा हुई और डिक्री नहीं है तो इट्स डिसमिस्ड अब यहाँ पर क्या क्या है सूट आगे चला नहीं है कोई रेस्ट जुड़ी काटा नहीं होगा रेस्ट जुड़ी काटा होता है ऑन दी सूट विच इज हर्ड बट ये हर्ड नहीं हुआ क्योंकि पार्टी इट्स नॉट अ डिक्री रूल फोर फोर बा, बात करता है इट टॉक्स अबाउट इफ प्लेटिव में फाइल अ फ्रेश सूट जो प्लेंटिफ है वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट में री स्टोर सूट टू बी फाइल वेयर सूट इज किसके अंडर हुआ है ओनली अंडर ऑर्डर नाइन रूल टू एंड रूल थ्री के अंडर अगर कोई डिसमिसल हुआ है डिसमिसल किस में रूल टू एंड रूल थ्री तो इस इन केस में क्या होगा जो प्लेंटिफ है ही मे सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एंड मे ब्रिंग अ फ्रेश फिर से fresh suit file कर सकता है बट कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ऑर्डर नाइन रूल टू और रूल थ्री के अंडर जस्ट डिसमिसल हुआ हो ठीक है सो ही कैन ब्रिंग अ फ्रेश और ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल डिस को ही सेट असाइड कर दो इफ कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है फॉर डिले कि क्यों डिसमिसल uh, प्लेनिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था या उसकी तरफ से जो डिले हुआ था वो उसकी उसके अकॉर्डिंगली नहीं था और उसकी सिचुएशन से बाहर था इट वॉज नॉट अंडर हिज कंट्रोल एंड बिकॉज इट इज ऑन द टेक्निकल ग्राउंड सो वहां पर क्या होगा रेस्ट जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा या तो डिसमिसल करेगा राइट कमिंग टू दी रूल फाइव रूल फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फाइव क्या बात करता है Where is not reached to defendant. Defendant के पास समन ही नहीं है तो नॉलेज होगी ना कि सात दिन के अंदर अंदर भी डिफेंडेंट के पास समन नहीं पहुंच रहे हैं तो वो क्या करेगा फ्रेश समन के लिए अप्लाई करेगा कौन करेगा प्लेन एंड इफ इट इज नॉट डन प्लटिव नहीं करता है कोर्ट कैन डिसमिस दूट वहीं पर सूट डिसमिसल हो जाएगा समन कैन बी सर्व ऑन वेरियस वर्ड्स जैसे आपने क्या होगा पर्सनल सर्विस के थ्रू आप दे सकते हैं कोर्ट के थ्रू आप दे सकते हैं किसी एजेंट के थ्रू दे सकते हैं आपने दस्ती समन भी सुना होगा तो आप ऐसे समन भेज सकते हैं राइट right? अब क्या है इफ प्लेंटिव डो अबाउट डिफेंडेंट अगर वो डिफेंडेंट को जानता ही नहीं है प्लेन्टिव

जो कंडीशंस है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्लेंटिफ है तो यस yes, कोर्ट उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है ओके सो रूल फाइव में एक एग्जांपल देखिए बाय चांस प्लेंट वाज फाइल्ड हियर एंड आफ्टर दैट ऑफिस ऑब्जेक्शन देन समन विल बी इशूड समन इश्यूज होते हैं एंड देन 7 डेज टाइम उसको दिया जाता है टू तो फाइल द प्रोसेस फी एटसेट्रा

7 डेज के अंदर उसको फ्रेश समन की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है फॉर फ्रेश सर्विस सो ही विल हैव टू अगेन फाइल अ प्रोसेस फी फिर से देनी पड़ेगी टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन विद इन 7 डेज ऑफ द रिटर्न बट इफ ही डज नॉट डू सो तो क्या होता है देन दे हैव सेइंग कि प्लेंट को आप सूट को तब डिसमिस कर कर सकते हो तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि डिसमिसल किस कंडीशन पर होगा इफ़ यू सेटिस्फाई कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देता है दैट डिफेंडेंट जो है वो डेलीबरेटली अवॉइडिंग द रिसिप्ट ऑफ समन और विद ड्यू नेगली मतलब मैंने बहुत डिलीजेंसी से काम किया है बट स्टिल आई कुडेंट फाइंड द डिफेंडेंट आई हैव नॉट बीन फाइन द एड्रेस ऑफ समन और एनी अदर सिमिलर कोर्स दे देता है देन कोर्ट विल नॉट डिसमिस नहीं करेगी बट वो सेवन पीरियड के टाइम को एक्सटेंड कर देगी इफ़ योर सूट इज डिसमिस्ड अगर आपका बाई चांस डिसमिस हो गया किसमें अंडर ऑर्डर नाइन रूल फाइव देन यू हैव टू फाइल अ फ्रेश सूट तब आपके पास ऑप्शन होगा फ्रेश सूट का तब आप उसके लिए अपील वगैरह नहीं कर सकते देखिए रूल फोर में क्या था वेन एवर सूट इज डिसमिस्ड यू कैन ईधर गो फॉर रिस्टोरेशन या तो आप दोबारा से उसको रिस्टोर करेंगे बाई सेटिंग असाइड और यू कैन गो फॉर फ्रेश सूट बट इन ऑर्डर नाइन रूल फाइव में पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्टोरेशन बिल्कुल भी नहीं होती है ओनली ऑप्शन विद द प्लेटिव इज टू गो फॉर द फ्रेश सूट दोनों में डिफरेंस समझ में आया सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रूल वन टू फाइव ऑफ ऑर्डर नाइन ऑल द रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आई एम सींग प्रीलियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोंट स्कीप एनी रूल And in next session, we are going to discuss with a very, very important topic that is rule 6. In it, we will discuss ex parte degree, right? Till then, have a good day. Thank you.